हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहां से चले जाते हैं और अकुमो वहीं खड़ा रहता है और कह रहा होता है, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें लगा तुम अपनी जान देकर उन दोनों को बचा लोगे, लेकिन तुम भूल गए कि मेरे पास सभी एंजल्स हैं। मैं जल्दी ड्रैगन बॉल्स को हासिल करके अपने 12 लेजेंडरी सैयंस को जिंदा कर दूंगा। उसके बाद वो होंगे सभी मल्टीवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और फिर सभी यूनिवर्स में सिर्फ सैयंस का राज होगा। इतना कह के अकुमो फिर सभी एंजल्स के पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे तुम सभी को एक बात बतानी है, तुम्हारे पिता ग्रैंड प्रीस्ट अब नहीं रहे, वो मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। तभी वेस कहता है, क्या, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। फिर मार्गरेटा भी गुस्से में कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर अकुमो बताता है, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता मेरे लड़ाई के बीच में आ रहे थे, इसीलिए मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा, लेकिन मुझे इन सभी बातों की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम में से किसी ने भी मेरे बात मानने से इनकार किया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। सभी एंजल्स ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, गॉड्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हम सबके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर अकुमो कहता है, क्योंकि मैं सभी मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर और नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा और फिर उसके बाद मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वो लॉर्ड सालामा ही क्यों ना हो, और तुम सभी इसमें मेरी मदद करोगे। तभी वे सवाल करता है, आखिर तुम हम एंजल से क्या चाहते हो। फिर अकुमो बताता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल्स को यहाँ लेकर आओ और फिर मैं अपने 12 लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा करूंगा और उन सभी को मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाऊंगा और वो होंगे सभी यूनिवर्स के सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस। तभी मार्गरेटा अकुमो से कहती है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब यूनिवर्स के नियम के खिलाफ है, इससे यूनिवर्स को बहुत नुकसान हो सकता है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। इसके बाद अकुमो कहता है, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम में से किसी ने भी ये काम करने से इनकार किया तो मैं उसे अभी के अभी खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं सारे एंजल्स चुप हो जाते हैं और वो सभी काफी डरे हुए थे, इसीलिए वो अकुमो से कुछ भी नहीं कहते। फिर अकुमो मार्गरेटा से कहता है, सुनो, पहले तुम मुझे अपने यूनिवर्स में लेके चलो। मार्गरेटा बहुत डरी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो अकुमो को अपने यूनिवर्स ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं सभी एंजल्स ये खड़े होकर देख रहे थे और कोई भी कुछ नहीं कर पाता, और तभी मार्गरेटा एक पोर्टल बनाती है और अकुमो के साथ उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। अकुमो जाने से पहले उनसे कहता है, तुम सब मेरा यहीं इंतजार करो, मैं यूनिवर्स 11 के ड्रैगन बॉल्स को लेकर आता हूँ और अगर किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो मैं उन सबको बहुत बुरी मौत दूंगा और वो मौत तुम्हारे पिता ग्रैंड प्रीस्ट से भी ज्यादा बदतर होगी। सभी एंजल्स अकुमो की बात सुनकर डर जाते हैं और फिर हम देखते हैं अकुमो मार्गरेटा के साथ यूनिवर्स 11 में चला जाता है। दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा एक अलग डायमेंशन में पहुंच चुके थे। गोकू और वेजिटा बहुत कंफ्यूज थे कि वो कहां पहुंच गए हैं। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, आखिर ये सब क्या हो गया। वेजिटा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, आखिर ये नई मुसीबत कहां से आ गई। फिर वेजिटा कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कैकरोट, ये सब आखिर क्यों हो रहा है, वो अकुमो अब तक जिंदा कैसे है, यानी अब तक सारी बातें झूठ थी, ये कैसे हो सकता है, ज़ेनोसामा भी अब नहीं रहे, अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो सभी यूनिवर्स पर कब्जा कर लेगा और वो किसी को भी जिंदा रहने नहीं देगा। फिर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो ये सब क्यों करना चाहता है। फिर वेजिटा कहता है, वो अपने सैयन साम्राज्य को बनाना चाह रहा है, जब तक ज़ेनोसामा थे वो ये नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जब वो नहीं है तो वो ये सब कर पाएगा, अब उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है और इस ब्रह्मांड में कोई इतना ताकतवर नहीं है जो उसे हरा पाए। इस पे गोकू कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है वेजिटा, कोई तो रास्ता होगा ना जिससे हम उसे हरा पाए, हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें फिर से ट्रेनिंग करनी होगी, फिर हम उसे हरा सकते हैं। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो कैकरोट, वो कई सालों से उस डायमेंशन गैप में था जहां उसने सिर्फ ट्रेनिंग की है, हम उसे किसी भी कीमत में नहीं हरा सकते हैं, चाहे हम कितनी भी ट्रेनिंग कर ले हम ये नहीं कर सकते, क्या तुमने देखा नहीं उसने ग्रैंड प्रीस को कितनी आसानी से खत्म कर दिया, उसकी एक हमले से तुम्हारी हालत खराब हो गई थी, हम दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर गोकू कहता है, आखिर हम क्या कर सकते हैं वेजिटा, हमें कुछ तो करना होगा,
हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। इस पे वेजिटा कहता है, मुझे नहीं पता क्या करोट, आखिर हम इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है जो यूनिवर्स 11 में पहुंच चुका था। मार्गरीटा अकुमो से कहती है, हम यूनिवर्स 11 पहुंच चुके हैं। अकुमो कहता है, ठीक है फिर जल्दी से ड्रैगन बॉल्स को ढूंढो, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं मार्गरीटा यूनिवर्स 11 के वॉरियर्स के पास जाती है, उसे टोपो और डिस्पो मिलते हैं। मार्गरीटा कहती है, टोपो मुझे सारे ड्रैगन बॉल्स चाहिए, लॉर्ड बेलमोर ने तुम्हें उसकी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब हमें अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए उसे सारे ड्रैगन बॉल्स देने होंगे। फिर टोपो कहता है, ये तुम क्या कह रही हो मार्गरीटा, मैं ड्रैगन बॉल्स किसे दूं और क्यों? फिर मार्गरीटा कहती है, टोपो मैं अभी कुछ नहीं समझा सकती हूँ, बस मुझे वो ड्रैगन बॉल्स दे दो वरना तुम सब मारे जाओगे, अगर तुमने उसकी बात से इनकार किया तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पे टोपो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ड्रैगन बॉल्स किसी को देने वाला नहीं हूँ, और तुम्हारे साथ ये कौन है, क्या तुम मुझे इसे सारे ड्रैगन बॉल्स देने के लिए कह रही हो, लेकिन क्यों? तभी डिस्पो कहता है, मार्गरीटा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, बेलमोर्ट के मरने के बाद टोपो अब यहाँ का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तुम्हें टोपो की बात माननी चाहिए, अगर तुम्हें इससे डर है तो इसे मैं देखता हूँ। तभी मार्गरीटा कहती है, रुक जाओ डिस्पो ऐसी गलती मत करो। डिस्पो कहता है, तुम चिंता मत करो मेरी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं अपनी ट्रेनिंग टोपो के साथ करता हूँ, इसीलिए मैं अब बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। हम देखते हैं कि डिस्पो अकुमो के पास जाता है और कहता है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अकुमो ये सुनकर डिस्पो पर की ब्लास्ट से अटैक कर देता है जिससे डिस्पो वहीं तुरंत मर जाता है। टोपो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, तुमने एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। फिर अकुमो कहता है, मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। ये सुनकर टोपो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। टोपो अपने हाकाइशिन पावर्स को बढ़ाने लगता है और फिर कहता है, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मार्गरीटा कहती है, नहीं टोपो तुम भी गलती कर रहे हो, तुम उसे नहीं हरा पाओगे, मैंने कहा ना उसे ड्रैगन बॉल्स दे दो। फिर टोपो कहता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला। इस पे मार्गरीटा कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ठीक है, मैं खुद उसे सारे ड्रैगन बॉल्स दे देती हूँ। फिर टोपो कहता है, मार्गरीटा मेरे रहते तुम ऐसा नहीं करोगी और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। तभी अकुमो टोपो से कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो तुम हो यहाँ के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तब तो तुम्हें मरना ही होगा क्योंकि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं बनाऊंगा। इस पे टोपो कहता है, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सजा मिल के रहेगी। इतना कह के टोपो उस पे हकाई से अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक से अकुमो को कुछ भी नहीं होता। टोपो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या लेकिन ये कैसे हो सकता है, इसने मेरी हकाई को कैसे रोक लिया, ये नामुमकिन है। तभी मार्गरीटा कहती है, टोपो उसने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया है। टोपो ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या लेकिन कैसे, क्या ये इतना ताकतवर है, इसने ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म कर दिया। तभी हम देखते हैं अकुमो टोपो के सामने आ जाता है और कहता है, हाँ अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये कहकर अकुमो अपनी की ब्लास्ट से उस पर अटैक कर देता है। टोपो उसके हमले को देखता रहता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से टोपो बहुत जख्मी हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और कहता है, रुक जाओ मार्गरीटा ऐसा मत करो, ड्रैगन बॉल्स उसे मत दो। फिर हम देखते हैं टोपो इतना कहकर मर जाता है। मार्गरीटा कुछ भी नहीं कर पाती और सोचती है, मैंने तुमसे कहा था टोपो ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे माफ करना टोपो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अगर मैंने इसे ड्रैगन बॉल नहीं दिया तो ये यहाँ पर सब कुछ खत्म कर देगा, मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं मार्गरीटा यूनिवर्स 11 के सभी ड्रैगन बॉल्स उसके सामने लाकर रख देती है। फिर अकुमो उससे कहता है, बहुत बढ़िया, अगर तुमने ये पहले किया होता तो मैं उन्हें नहीं मारता, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ड्रैगन बॉल्स चाहता हूँ जो कि मुझे मिल चुके हैं, यहाँ का काम पूरा हुआ। फिर मार्गरीटा कहती है, तुम्हें ड्रैगन बॉल्स मिल गए, अब तुम आगे जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मेरे यूनिवर्स को और मुझे छोड़ दो। फिर अकुमो हंसता है और कहता है, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता तब तक तुम सभी एंजल्स मेरे गुलाम रहोगे, अगर फिर से तुमने ऐसा कहा तो मरने के लिए तैयार रहना, समझी। मार्गरीटा बहुत डर जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। फिर अकुमो कहता है, ठीक है फिर
अब यहाँ से चलते हैं, मुझे बाकी के ड्रैगन बॉल्स जल्दी हासिल करने हैं। मार्गरेटा कहती है, जैसा आप कहें। इतना कह के वो एक पोर्टल बनाती है जिससे वो सभी एंजल्स के पास वापस आ जाते हैं। फिर अकुमो कहता है, तो आखिरकार ड्रैगन बॉल्स की मदद से मैं अपने सैयन वॉरियर्स को जिंदा कर पाऊंगा। फिर हमें जिरेन का सीन दिखाया जाता है जो अपने यूनिवर्स में वापस आ गया था क्योंकि वो दूसरे यूनिवर्स में ट्रेनिंग करने गया हुआ था। जिरेन टोपो और डिस्पो के पास जाता है। जिरेन टोपो को जमीन पर मरा हुआ देखता है। जिरेन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं, ये सब क्या हो गया और ये किसने किया है? टोपो को कौन मार सकता है? ये जिसने भी किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ जिरेन का एक और टीम मेंबर आता है और उसे बताता है, जिरेन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, वो एक सैयन था और उसके जैसी ताकत मैंने आज तक नहीं देखी। मार्गरेटा भी उसके साथ थी। उस सैयन ने ही इन दोनों को मारा है और वो सारे ड्रैगन बॉल्स को अपने साथ ले गया है। फिर जिरेन कहता है, क्या वो लोग ड्रैगन बॉल्स को भी अपने साथ ले गए हैं? हमारे ड्रैगन बॉल्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि जिरेन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है, भले ही वो ताकतवर होगा लेकिन जो उसने किया है मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और फिर उसे खत्म कर दूंगा।